शक्ति देता है। जब कभी भी हम थक जाते हैं, थवान हो जाते हैं, हमारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रहता है, तब तब हमारे करीब आकर बेटा बेटी मत डर, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हें आगे लेकर चलूंगा, तुम्हारे सामने रास्ता मैं खोलूंगा, वो रास्ता जो आज तक तुम चला नहीं है, आज तक तुम देखा नहीं है। कितना खूबसूरत जिंदगी है प्रभु के साथ। जब कभी भी हम आगे नहीं चल पाता, आगे कोई रास्ता नहीं रहता, तब तब हमारे लिए नया रास्ता तैयार कर हमें आगे चलाने वाले प्रभु के सानिध्य के सामने माथा टेकना हमारे दिल की, हमारे अरमानों की खुशी का वक्त है, हमारे जिंदगी का बहुमूल्य समय है। एक बार फिर से इस हिंदी प्रेयर लाइन में आकर को उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु कामयाब बनाए, आशीष दे और बहुत लोगों के लिए डिलीवरेंस का जरिया बनाए। विशेष प्रार्थना हम करेंगे। सिस्टर साइना डैनियल बेटी आप लाइन पर है, मुझे सुन रहा है? चलिए आपका आवाज बहुत क्लियर सुन रहा है, गीत गा सकती है। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दल दल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, दल दल की कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए, कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए, विश्वास में फिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, टूटा हुआ मन चाहता है तू,
कर दिया मैंने पिछले दिनों में, टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में, नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए, मेरे जीवन में कांकर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए, मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, बहुत बढ़िया। प्रभु जरूर बेटी को आशीष देगा, जिस तरह वो कह रही थी, तेरे ही समान बनने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। प्रभु के समान बनने के लिए प्रभु ही हमारा जिंदगी में काम करना चाहिए, और उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए टूटा हुआ मन चाहिए। स्वर्गीय स्थलों में प्रभु ने हमें बैठाया है, कैसा बैठाया, लहू से मुझे धोकर, कालवरी में बलिदान होकर, दान और दाता मेरे जिंदगी में बनकर। गीत गाने वाले इस तरह गाते हैं, विश्वास में मैं स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्यार करूंगा। हालेलुया, बहुत खूबसूरत, बहुत मीनिंगफुल गीत। बेटिया आपकी जिंदगी में प्रभु ज्यादा आशीष दे, प्रभु के कार्य आपकी जिंदगी में ज्यादा हो, सुनने वाले हर प्रियजनों। परमेश्वर आमीन आमीन। थैंक यू आमीन। सिस्टर, प्रभु आपको हेलो अवेलेबल ज्यादा आशीष दे। पास्टर जी आप लाइन पे अवेलेबल है? थैंक है अवेलेबल है। यू। ओके पास्टर जी, आगे एक 15-20 मिनट सब कलाम से बात कर सकते हैं आपको, इसीलिए प्रेयर लाइन में मैं वेलकम करता हूँ। अभी हमारे पास कितना समय है जी? 15 से 20 मिनट। फर्स्ट लॉर्ड जय मसीह की इस प्रेयर लाइन में मौजूद हर एक परमेश्वर के दास गणों को और परमेश्वर के लोगों को, भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम से मैं मसीही वंदन देता हूँ। परमेश्वर की महान दया आज तक हम सबके साथ होता रहा, इसलिए हम आज जीवित हैं। अभी इस समय हमें वार्निंग आ रहा है स्टॉर्म के बारे में, सब लोग प्रार्थना करके इस विषय के लिए प्रभु से विनती करते रहना। ओक्लाहोमा में मैं भी ओक्लाहोमा में खड़ा हूँ, फिर भी प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें अपने पंखों तले छिपा कर हमें हर वक्त हमें सुरक्षित रूप में रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। फिर से इस प्रेयर लाइन में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, परमेश्वर के दास साजन चान और आदि के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जो परमेश्वर के दास अभी इस वक्त इसके अगुवाई करते हैं इस मीटिंग में, उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु इन्हें इस रीति से उनके महान कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। अब लोग जो कुछ भी इस प्रेयर लाइन के द्वारा करते हैं उसके ऊपर प्रभु की महान आशीष रहे। कुछ दिन पहले हम साधन चैन से मिले और हम प्रार्थना करते वक्त प्रभु ने हमें ऐसे अगुवाई किया कि इस प्रेयर लाइन इस भिन्न भिन्न जगह में और विस्तार रूप में प्रकट होने वाला है, और प्रभु बहुत बहुत से लोगों को इसके साथ सम्मिलित करके बहुतों की चुनौती के लिए कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। विश्वास करेंगे, विश्वास करने वालों के साथ प्रभु के महान कार्य होता जाएगा। मैं इस वक्त एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यदि आप में से कोई पढ़ सकता है हिंदी में तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय है, उसका
उसकी जो 18 और 19 आयत। और तुम्हें मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी नीरस की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस अध्याय में प्रभु के दास पौलुस की जो विश्वासी गण है उनको प्रभु में उनका प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उनका अवस्था उनका पोजीशन उनका जो पदवियां क्या है उसके बारे में पौलुस कलीसिया को सिखाते हैं और लोगों को कलीसिया के लोगों को उत्तेजना देते हैं, हियाव देते हैं और उन्हें ये बात है विस्तार रूप में सिखाने वाले एक पुस्तक है ये शिष्यों की पत्रे। प्रत्येक जन को प्रत्येक विश्वासी को इस बात के समझना है कि वचन इस प्रकार बताते हैं कि जो यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारे बातें बीत गई हैं। मलयालम बाइबल में जब पढ़ने के समय मलयालम बाइबल के अनुसार बीत गए के लिए लिखा है कि वो मर गया है। इंग्लिश बाइबल में ऑल थिंग्स आर पास्ड अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग बिकम न्यू, देखो सब कुछ नई हो गई है। हालेलुया, अंदरूनी जीवन में बदलावट आया है, मरा हुआ आत्मा के अंदर जीवित प्रभु यीशु मसीह का आत्मा प्रवेश किया है और उन्हें जो पुरानी पापों की सारी शक्तियां और सारी शराब जो है सारे शैतानी बंधन है यीशु मसीह की आत्मा के आने के और उसके निरंतर उपस्थिति के कारण चकना चूर किया जाता है, उसमें से उसको चुड़ौती दिया जाता है, छुटकारा दिया जाता है। हालेलुया, आमीन। जब मसीह में है वो लोग बंदिश नहीं है, अंधकार में नहीं है, गुलामी में नहीं है, वो स्वतंत्र है और शैतानी और शरीर की जो बंधन है लालसा है उसमें से प्रभु ने उसको छुटकारा दिया है, वो फिर कभी शैतानी गुलामी में नहीं है। हालेलुया, शैतान कभी कभी हमें आक्रमण करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर कब्जा कर बैठेंगे। हालेलुया, प्रभु ने हमें इस अतिशय पत्र में ये लिखा है कि तुम्हारे उद्धार के लिए पिता ने योजना किया, पुत्र ने उसका निर्वाह किया और पवित्र आत्मा ने उस उद्धार को हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा के हमें छाप लगाकर हमें वो हमारा जो अत्यंत आंतरिक हमारे जो आखिरी उद्धार है जो कि मरे हुए से जिला उठाना और स्वर्ग की ओर उठा ले जाना, हमें उसके लिए पवित्र आत्मा से हमें हमें छाप मारा गया है। हालेलुया, मुद्रण किया है। सो एक मसीह जो भी मसीह में है वो नई सृष्टि है और आत्मिक आशीषों से परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के हरेक आत्मिक आशीषों से वो मालामाल किया गया है। सो पौलुस आगे बढ़ते हैं, पहले अध्याय में परमेश्वर पिता ने उद्धार का योजना किया, पुत्र ने उसका स्थापित किया, पवित्र आत्मा को देकर हमें हमें सील किया गया है और कुलोसियों के पत्री तीसरे अध्याय के 3 में लिखा गया है कि आप तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम मरा गया मर गया है, अब तुम यीशु मसीह के साथ पिता परमेश्वर में छिपा लिया गया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यदि शैतान को हमें छूना है तो सबसे पहले यीशु मसीह को, यीशु मसीह के लहू को, पवित्र आत्मा को छूने के बाद ही वो हमारे तक पहुंच सकते हैं। इतना इतना प्रोटेक्शन हमारे हमारे जीवन में दिया गया है। हालेलुया, कि बाइबल बोलता है कि जो प्रभु में से जन्मा है वो अपने आप को सुरक्षित रूप में रखता है कि वो दुष्ट उसको छू तक छूने का उसका अनुमति तक नहीं है। हमें प्रभु ने हमें इतना, परमेश्वर पिता ने हमें इतना
सुरक्षा के साथ रखा है। कई बार हम उसको भूल जाते हैं, हम शैतानी बातों से कभी कभी ज्यादा डरते हैं। हालेलुया। और इस मसीह जो दुनिया में जो है उससे भी बढ़कर बड़ा शक्तिशाली हमारे अंदर बैठा हुआ है। प्रभु का स्तुति कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम छोड़े हुए नहीं है, हम तिरस्कृत लोग नहीं है। हमें पहला अध्याय में लिखा है, हमें प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर ने स्वीकृत किया है स्वर्ग दूतों के मंडली के सामने। हालेलुया। रमन हर्ष करवाया, हमें प्रभु ने चुन लिया है, शुद्ध किया है, अलग किया है पवित्र आत्मा से, वो मुद्रण किया है हमारे ऊपर, एक छाप दिया है कि हम अकेले नहीं है, हम परमेश्वर के लिए स्वीकृत लोग है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें इसको समझना चाहिए, उसका विश्वास करना चाहिए, उसको बोलता जाना है, अपने आप को अपने आप से बोलकर हमें हियाव बांधना है, अपने आप को ग्लोरी बी टू गॉड हियाव देना है, उत्साह देना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस अध्याय में जो वचन हम पढ़े हैं उसका फिर से मैं पढ़ना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात है, जरूरत बात है, यही है कि हमें आत्मिक ज्ञान में हम रहे। द हाइएस्ट नीड इन आवर लाइफ इज स्पिरिचुअल रेवलेशन। हालेलुया। एवरीथिंग, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो आराधना है, वो सब एक एक, एक प्रकाशन के कारण हम करें और वो सब हमारे जीवन में एक प्रकाशन के रूप में बैठ जाए और उस प्रकाशन के अनुसार हमारा हमें साथ साथ हमारा जीवन हम आगे व्यतीत करें। हालेलुया। और लिखा है 18 पद में खास कर पढ़ना चाहूंगा, और उसके सामर्थ्य जो हमारे लिए विश्वास करते कितने महान है, इसके शक्ति के प्रभाव के उस शक्ति की प्रभाव के उस कार्य के अनुसार हमें करते हैं। इधर लिखा गया है जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का असीम सामर्थ्य कार्य करता है। जो बात के लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दावा करते हैं, हमें जो विश्वास के साथ हमारे मुंह से प्रार्थना निकलते हैं, जो हम बांधते हैं, हालेलुया, जो स्वर्ग में बांधा जाता है, जो हम खोल के प्रार्थना करते हैं, अनुमति देते हुए प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू प्रेयर प्रेयर ऑफ परमिशन एंड गॉड परमिट्स इट। हालेलुया। जब हम अनुमति दावा करके हमें कुछ बातों के लिए हम चाहते हैं कि इस बात हो जाए, इस बात प्रकट किया जाए, संगाई आ जाए, हमें परमेश्वर के कार्य प्रकट हो जाए, जो परमेश्वर के लिए पीठा उठाने वालों के चारों तरफ सर्वदों के पहरा उतर जाए, आनंद जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर करते हैं। जब हम विश्वास कर किसी भी बात के लिए विश्वास करके प्रार्थना करते हैं उसी को बनाने के लिए परमेश्वर अपना असीम सामर्थ करता है। हालेलुया। आमीन। यही इस बात का जो अंदरूनी अर्थ मैं इसको साबित करना चाहूंगा, कैसे मैं आपको समझाऊं। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो यीशु मसीह जायरस के घर में जायरस का बेटी को जिला उठाने के लिए जा रहा था, सड़क बीच में कोई आके बोला गुरु का समस्या, गुरु को समस्या मत दो, उसको मना करो कि बेटे मर गए है। इसने बोला विश्वास करो मैं आ रहा हूँ। घर गया, घर जाने के वक्त क्या हो गया, जो खून से पीड़ित, जो घर से बाहर नहीं निकल सकता, अपना पैसा सारे डॉक्टर वैद्यों के साथ खर्च किया, फिर भी कोई तसली हमें चंगाई नहीं प्राप्त की हुई थी, वो अपने बलहीन शरीर और अपने जो संस्कृति की जो सताने वाले बातों को ना परवाह करते हुए
हमें हमें वो आगे बैठे, उसके हृदय में विश्वास आया। वो बोला कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्रांजल और छोरक में छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं सोचता हूँ उस वनिता को, उस महिला को, कोई भी जाकर उसको आनंद क्लास, बाइबल क्लास नहीं दिया यीशु मसीह के बारे में। मैं यीशु मसीह के बारे में वो सुन चुकी थी, मगर कोई भी ऐसे उसको नहीं बता, तुम जाओ, कोई ऐसे बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप पवित्र शुद्ध व्यक्ति है। शुद्ध व्यक्ति किसी को भी नहीं छुएगा, वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए किसी ने भी शायद नहीं कही होगी, मगर वो यीशु मसीह को देखा, उसमें सुना है, और वो कहने लगे कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। पुराने नियम के भक्त लोग कई बार जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं कि इसमें लिखा है कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर उसको उसकी सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को, दुआ को सुनकर मुझे उत्तर देगा। परमेश्वर बोलते हैं कि जो कुछ में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। हमारे समस्याओं को सुनकर देखकर परमेश्वर निराश नहीं होगा। परमेश्वर बोलते तुम्हारे बोझ मुझ पर डालो और मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। माना शकर अगरबा, मुझे सुनने वाले जो भी हो, यदि समस्या के साथ प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त किए हुए करके दुख दुख के साथ यदि शायद बैठे होंगे, आज रात फिर से मैं आपको ढारस दिलाना चाहूंगा कि आप विश्वास करते रहो। यदि आपके साथ विश्वास करने वाला कोई भी नहीं हो, वो पति नहीं हो, पत्नी नहीं हो, कोई भी नहीं हो, फिर भी जब आप विश्वास करते हैं, अपने हृदय में विश्वास करते हैं, उधर से खत्म नहीं करना, वो अपने विश्वास के साथ चलने लगी, वो चलते चलते आगे बढ़ने लगी। दैट आई कॉल अ फॉक ऑफ फेथ, फेथ इन द हार्ट मूव्स हर। आई मीन दैट इज कॉल्ड अ वॉक ऑफ फेथ, वो विश्वास का चाल चलन। आमीन। वो एक दिन हो सकता है, दो दिन हो सकता है, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल हो सकता है, फिर भी विश्वास के साथ है। प्रतिदिन विश्वास के साथ हमें चलते रहना है कि यदि मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उसने लगी चलने लगी और वो बोलने लगी। आमीन। हृदय का विश्वास मुंह से बोलकर, आमीन, विश्वास के साथ चलकर, जैसे वो बहुत तकलीफ के साथ उस भीड़ के पीछे से चलकर, आमीन, बड़ी मुश्किल के साथ वो जब यीशु मसीह को छुआ है, उसी क्षण उसके चंगाई प्रकट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ, जब हम विश्वास से हम परमेश्वर को छूते हैं, कई बार हम सोचे कैसे अब हम यीशु मसीह को छू लेंगे। जो वचन आप सुनते हैं, जो वचन प्रचार करते हैं, विश्वास का वचन, छुटकारा का वचन, वो वचन आप ग्रहण करते हैं, आप यीशु मसीह को छूने के बराबर है। हालेलुया। जो वचन आपको सुना दिया जाते हैं, उस वचन को अमल करेंगे, जब उस वचन को आप ग्रहण करेंगे, उस पर आप अटल रहेंगे, आमीन, तब आज यीशु को छूने वाला है, छूने वाली है। हालेलुया। आज रात हम यीशु मसीह को छू लेंगे उसके वचन को ग्रहण करने के द्वारा। आमीन। आमीन। दिस टाइम, दिस वेरी वेरी आवर, जो आप सुन रहे हैं वही है परमेश्वर, वही बातों से आप परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, उसी को आपको स्वीकार करना है। और महिला यीशु मसीह को छू लिया, छूने के तुरंत बाद हालेलुया, वो अपने शरीर में चंगाई अनुभव किया। हालेलुया। केवल उसने अनुभव नहीं किया, उतनी बात नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह भी अनुभव किया। यीशु ने सड़क बीच में, भीड़ के बीच में यीशु रुक कर बोलने लगा, किसने मुझे छुआ है? Who touched me? चलो बोला, हम इतने भीड़ के बीच में, आपके अगल बगल में आपको छूते हुए हम चलते हैं, प्रभु आप ऐसे क्यों पूछते हैं? यीशु ने बोला, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, वो एक विश्वास के स्पर्श था। हालेलुया। When you touch God in the midst of all your problems, when you touch God in faith,
जब तुम परमेश्वर का वचन स्पर्श करते हैं, अपने हृदय के अंदर उसको स्थापित करते हैं, अपने मन में उसको रख देते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं और विश्वास से चलते हैं, प्रभु उसको जानते हैं। चाहे कोई भी नहीं जानेगा, कोई भी नहीं सुनेगा, और प्रभु सुनता है, प्रभु जानता है। हालेलुया, आमीन। जीसस सेड, यीशु ने कहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सामर्थ शक्ति असीम सामर्थ पावर एक्सप्लोसिव हैज गॉन आउट ऑफ मी। हालेलुया, शक्ति सामर्थ मुझसे निकल पड़ी है। हालेलुया, चंगाई की सामर्थ निकल पड़ा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये धारणा दिलाना चाहता हूं, जिस विषय के लिए आप प्रभु को छूते हैं, जिस विषय के लिए आप मुंह खोलते हैं, अपने आग्रह, अपने अपने इच्छा जो बताते हैं, हालेलुया, चाहे वो कठिन, चाहे वो सरल हो, कठिन हो, क्यों कुछ भी क्यों ना हो, हालेलुया, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर, उस विषय को स्थापना करने के लिए, उस विषय आपके हाथों में पहुंच जाने के लिए, परमेश्वर जानते हैं इस दुनिया में परमेश्वर के सिवा आपके लिए कोई भी काम करने वाले नहीं है। वो दयालु है, वो अपरंपार दया दिखाने वाला परमेश्वर है। वो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को भेजेंगे, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के असीम सामर्थ वो प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, व्हेन यू बिलीव, यू विल रिलीज हिज पावर। थैंक यू जी। He will release the Holy Spirit to make it possible. Hallelujah. जो बात आप विश्वास से प्रभु से दावा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी को बनाने के लिए वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो अपने सामर्थ को भेजता है। यीशु कहता है कि मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ। Hallelujah. मैं जीवन दिलाने वाला भी हूँ, मृतकों को जिला उठाने वाला भी हूँ। हालेलुया, अपने असीम सामर्थ के द्वारा। ग्लोरी बी टू गॉड, बिलीव इट, अंडरस्टैंड इट। हालेलुया, इफ ए फीबल वुमन, एक बलहीन औरत, स्त्री, महिला, जब अपने विश्वास से यीशु को छू लिया है, उसका सामर्थ निकला है। किसी ने उससे नहीं कहा छू लो तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, इनिशिएटिव, ग्लोरी बी टू गॉड। आई एम प्रार्थना करेंगे, सुनने वाले अपने 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 सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें। यू आर नॉट एन ऑर्फन एनीमोर, यू आर नॉट एन एम्प्टी वेसल, यू आर नॉट अ रिजेक्टेड पर्सन, यू आर एक्सेप्टेड इन द बिलोवड। आप प्रभु यीशु मसीह में स्वीकृत किए हुए व्यक्ति है। हालेलुया, आप एक अनाथ नहीं है, आप आप एक गुलाम नहीं है, आप मसीह में स्वतंत्र हैं। हालेलुया, जो सलीब में जो लटकाए जाते हैं वो सिरापित हो जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में सलीब में लटकाए जाने के कारण वो हमारे सारे श्रापों को उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया, सारे श्रापों को उठा लिया, सारे समस्याओं को उठा लिया, और यीशु ने सलीब पर कहा है, देखो सब कुछ बुरा हो गया। जब एक ए, 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 एक दास अपने मालिक के सारे कार्य जो कुछ बताया गया करके शाम के समय में आकर बताते हैं, स्वामी सारे काम जो आपने बताया वो सब कुछ बुरा हो गया। इस प्रकार यीशु कह रहा है, सब कुछ बुरा हो गया, आत्मा के उद्धार के लिए, शरीर चंगाई के लिए, और हमारे प्रतिदिन के जीवन के जो भी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, हालेलुया, उसको प्रभु ने हमें छुड़ौते के लिए, उसका छुटकारे के लिए प्रभु ने काम कर चुका है। अब विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के असीम सामर्थ, जो अब मांगते हैं पूछने से समझने से परे अत्यंत असीम सामर्थ से वो कर आपको समाधान और खुशी में रखने वाला परमेश्वर है। इसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाए ताकि तुम्हारी खुशियां पूरी हो सके। हालेलुया, प्रभु हमारे खुशियों को देखना चाहते हैं। ग्लोरी बी टू गॉड, आइए प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ा स्तुति करें परमेश्वर की इस समय में कुछ क्षणों के अंदर प्रभु ने जो मुझसे बोला है मैं उसको अमल करता हूँ, अमल करते हूँ, वो मेरे लिए है। मैं उसके द्वारा यीशु को छू रहा हूँ, यीशु को छू रही हूँ। हालेलुया। और मैं एक बात जानता हूँ, मेरे विषय को लेकर मैं यीशु को स्पर्श करता हूँ, करती हूँ। और मैं विश्वास करते उसके असीम सामर्थ्य जो मुझसे विश्वास करते है मेरे लिए प्रकट होगा, मेरे विषय के ऊपर प्रकट होगा। जो अनहोनी बात है वो परमेश्वर भी यद्यपि वो नहीं है तो भी वो बदलाव कर मुझे देकर मुझे आशीष कराएगा। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आपके वचन सदा सर्वदा जीवित है, कोई भी जो दोधारी तलवार से भी चौका है। पिता परमेश्वर आपके वचन हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए दिया है कि आपने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन को जीवित रहेंगे। आपके वचन को हम छूते हैं, उसमें सामर्थ्य है। आपके वचन आत्मा और जीवन है। ओ वचन की आत्मिक शक्ति हमारे ऊपर आ जाए, उन्दे दिया जाए पिता, हमें ताजा बना दीजिए, दे दिया जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, बना दिया जाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, जब हम किसी भी बात के लिए विश्वास करके अपने ओ पिता को पुकारते हैं, उसी को बनाकर पूरा करके हमारे हाथों में देकर हमारे खुशियों को देखने वाला परमेश्वर, आज रात जो भी अपने वचन सुने हैं पिता, हम विश्वास में से उसमें छूट दे पिता, चमत्कारों के लिए, चंगाइयों के लिए, शांति के लिए, छुटकारा के लिए, यहाँ पर और देश विदेश में, अपने गांव में, अपने कलीसियाओं में, और जो भी छुटकारा आना है होना है यीशु मसीह के नाम से पिता, हम विश्वास करता है आपके ऊपर कि आप कर सकता है, आपके द्वारा हो सकता है, आपके नाम से वो संभव हो सकता है। हम विश्वास करते हैं कि आप इसी क्षण अपने आत्मा के ताकत से, आत्मा के सामर्थ्य से वो उसका सृष्टि किया जाए पिता परमेश्वर। शांति से भर दीजिए प्रभु जी अपने लोगों को, विश्वास से भर दीजिए प्रभु जी अपने लोगों को। हालेलुया। ओ जीसस, यू आर अ कॉन्करर, और आप हमें ओ मोर देन अ कॉन्करर बनाना चाहता है पिता परमेश्वर, बना दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हम किसी भी बातों में सिर झुका कर ओ दुख के साथ चलने के लिए हम नहीं चाहते पिता परमेश्वर। ओ जंगली सांड के नाई सिरों को ऊंचा उठाकर आगे बढ़ने में आप चाहते है पिता। धन्यवाद प्रभु जी अपने सामर्थ्य के लिए, अपने वाचन के लिए, अपने लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, जब हम प्रार्थना करते हैं इस लाइन में कोई भी बीमार है, सिर दर्द से लेकर कोई भी बड़ी छोटी बीमारी हो, कैंसर हो, ओ अनस्पोकन सिकनेस हो, यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास से आपके नाम को छूते हैं, इसी घड़ी चंगाई प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमेन। थैंक यू पास्टर जी। प्रभु पास्टर जी, एक मिनट और आप लाइन पे बना रहे तो अगर किसी को स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट चाहिए तो प्लीज पास्टर जी हमारे बीच में है। आप प्रभु के शक्ति, प्रभु के समर्थ के बारे में बोल रहा था। प्रभु यीशु मसीह में हमारा स्टेटस क्या है इसके बारे में भी उन्होंने बताया। हम गुलाम नहीं है, हम स्वतंत्र है। हम बीमार वाले नहीं है, हम चंगाई पा चुका है। हम पापी नहीं है, हम प्रभु यीशु में पवित्र जन है। विश्वास कीजिएगा, विश्वास के साथ उस नाम को हासिल कीजिएगा, उस प्रभु यीशु मसीह को छू लीजिएगा। आपके अंदर जो प्रभु की आत्मा और उसकी समर्थ का आह्वान होगा, उससे आप हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर आप दुखित है, आपके दुख की बार परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। चलिएगा, अगर किसी को स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताइएगा, पास्टर जी आपके लिए विशेष कर प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति नए हैं तो जरूर बोलिएगा, नहीं तो मैं पास्टर जी के लिए
पास्टर जी के लिए और उसके मिनिस्ट्री के लिए जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी आप अगर एक बार और प्रार्थना करके प्रेयर लाइन कंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेंगे। जिस तरह पास्टर जी ने याद दिलाया ओक्लाहोमा में थंडर स्टॉर्म का अलर्ट है, विशेषकर प्रार्थना में याद कीजिए अभी आगे वाले महीना में यहाँ पे वेदर अलर्ट हमेशा बना रहता है, विशेषकर ओक्लाहोमा को प्रार्थना में याद रखिएगा। सब प्रिय प्रेलिन पार्टनर से मैं जय मसीह का बोलना चाहता हूँ कि एक हफ्ता नया महीना प्रभु हमारे जीवन में हर आशीष प्रदान करे। आंखें बंद कीजिएगा, पास्टर जी एक बार और प्रार्थना करकर ये आज के हिंदी सेक्शन कंक्लूड करेंगे। उसके बाद मेरी सिस्टर अगर कुछ अनाउंसमेंट है तो बताएंगे। विशेषकर एक एक विषय हम लोग छूट किया था प्रार्थना करने के लिए मुस्लिम देशों के लिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं पास्टर जी वो चीज आप अपने प्रेयर में इंक्लूड कीजिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी, सोमालिया, इराक, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, यूक्रेन, नाइजीरिया, इन सारे देशों में प्रभु अपने सानिध्य बनाए रखे। कुछ शांति का वातावरण इन देशों में बन रहा है, उसे कामयाब प्रभु बनाए, इसके लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करेंगे। इन सारे विषयों को प्रार्थना में याद कर पास्टर जी प्रार्थना कर कंक्लूड करेंगे। एक बार फिर से पास्टर जी हमारे तरफ से थैंक्स बोलना चाहता है बेटिया के लिए, बेटिया के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु आशीष दे। इस पास्टर जी प्रार्थना करने के बाद मेरी सिस्टर आप फर्दर अनाउंसमेंट कर लीजिएगा। पास्टर जी प्रार्थना करके पास्टर साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैन, पास्टर जैन। ओके ओके थैंक यू जी सर। सुखी बिलाव आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी नजर हमारे ऊपर है पिता परमेश्वर, आपने आज तक हमें छोड़ा नहीं है, आपके बलवंत हाथ से आपने हमें पकड़ कर रखा है पिता परमेश्वर, शैतान को आप नहीं छोड़ेंगे हम हमें पिता परमेश्वर, आप हमारे सुरक्षा हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। पास्टर जैन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके पिता परमेश्वर आपके दास को आपने हालेलुया आज तक इस्तेमाल किया, देश विदेश में पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके महान अभिषेक हालेलुया बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर सामर्थ्य बड़ी रीति से उनके जीवन में कायम रहे पिता परमेश्वर हालेलुया, बहुत उनकी चुनौती के लिए पिता उन्हें और इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, इस प्रेयर लाइन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है आपके लोग हैं, दास लोग हैं और विश्वासी गण है, उन सबके ऊपर आपके अभिषेक रहे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद गुरु जी इस प्रेयर लाइन को आप इस देश के हर एक स्टेट में आप उनको विस्तार करने वाला है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं इस बात के ऐलान करता हूँ पिता परमेश्वर, और पूरे इस राष्ट्र में और इस प्रेयर लाइन पिता परमेश्वर विस्तार किया जाए इस मसीह के नाम में, जल्द से जल्द सेम लाइक माइंडेड पीपल मैं कम एंड जॉइन इन दिस, ओ पिता परमेश्वर बड़े बड़े चंगाई और चमत्कार इनके द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। अभी इस लाइन में पिता परमेश्वर जो भी आमेन प्रार्थना में शामिल है उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके शरीर में आपके असीम सामर्थ्य उतर पिता परमेश्वर, अपने कार्य के लिए उन्हें आमेन पिता मजबूत कर पिता परमेश्वर, याव ढारस बांध के आगे बढ़ने में चलने में सहायता कर पिता परमेश्वर। खासकर हम हालेलुया ओक्लाहोमा के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लहू में ओक्लाहोमा को हम कवर करते हैं पिता, स्वर्गदूतों को पहरा दे दीजिए पिता परमेश्वर कि जो स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म यीशु मसीह के नाम में ऐसे शून्य स्थान की ओर चले जाए जहां पर लोग वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह के नाम में उसी तरह हो जाने पाए, आपके सामर्थ से उसको मूव इन टू सॉलिटरी प्लेस ऑफ फादर गॉड, ओ हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, कंट्रीज के लिए पिता परमेश्वर, बहुतों को आप दर्शन देकर यीशु मसीह आप प्रकट करके बहुत से लोगों को अपने ओर खींच रहा है पिता परमेश्वर, बहुत है हमारे जो मसीह हमारे जो लोग है पिता मुस्लिम भाई बहनों को आप अपने प्रकाशन देकर आप उन्हें चुन रहा है, उसके लिए धन्यवाद। और इन देशों में पिता परमेश्वर शांति का ऐलान करते हैं और शांति का राजकुमार उस देश में वो शासन करने पाए, तेरा राज्य आ जाए पिता परमेश्वर, और उनका राष्ट्र
नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं और एक शांति के कार्य काम पिता परमेश्वर बनाने के लिए उन सब तो सहायता कर पिता परमेश्वर, और वे भी आपके स्वरूप और समानता में सृष्टि किए गए हैं और जीवित परमेश्वर की ओर उनका मुख करने के लिए सम्मान पिता परमेश्वर सहायता कर और आत्मा कार्य कर और उनके आत्मा भी बचा लिया जाए स्वर्ग के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया रमन हस्तगराश्य प्रभु जी प्रिय प्रिय साधन चार और विजय आदि के लिए प्रार्थना करते हैं कि जी उनको तो और आशीष दे, उन्हें इस्तेमाल कर, उन्हें परिवार समेत इस्तेमाल कर। अभी वो भी जो भी सबर में है पिता परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा जो बात के लिए वो जाते हैं उसको संपूर्ण रीति से फलवंत होकर खुशी के साथ बैठने लौटने में सहायता कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। आज रात को भी परमेश्वर ने यीशु मसीह की स्तुति महिमा करने के लिए, प्रभु का जय जयकार करने के लिए परमेश्वर ने अक्लोमा प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। फरवरी माह तक लास्ट डे में भी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए हम परमेश्वर का जय बोले, हालेलुया। जय देने वाले परमेश्वर का जय हो, हालेलुया हालेलुया। पापा जैन को लीड करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसके लिए परमेश्वर का जय बोले, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना जनों को परमेश्वर ने तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद दे, हालेलुया हालेलुया। इस परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर अशोक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया 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 हालेलुया। इनके मिनिस्ट्री के उनके हर एक जरूरत को परमेश्वर सहायता करे, हालेलुया हालेलुया। सारिया के लिए हम धन्यवाद दे, हालेलुया हालेलुया। उनके परिवार को धन्यवाद दे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ब्लेस लीडिया, हालेलुया। ब्लेस सिस्टर डीना, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग, हालेलुया। ब्लेस मास्टर सालू डैनियल, हालेलुया। फ्लोर हालेलुया। एक और बार हर एक पार्टिसिपेंट्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया ब्लेस करते हैं। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, हैव अ ब्लेस्ड वीक, मीट यू अगेन नेक्स्ट मंडे for the Hindi prayer line. Thank you. Thank you, Pastor Ashok. Thank you, Pastor Jain. And thank you, Sanya. Yeah. God bless us all. Hallelujah. Thank you.